हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मन की बात। हम हाजिर है एक और वीडियो में। अब आज की इस वीडियो में हम लोग फुल मूवी रिव्यू करने वाले हैं आइकन स्टार अल्लू अर्जुन की दमाच अवेटेड पैन इंडिया फिल्म यानी कि पुष्पा द राइज पार्ट वन के बारे में। अब इससे पहले जो इंटरवल का जो या फिर सेकंड हाफ का जो रिएक्शन था, नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर चेकआउट कर लेना, क्योंकि देखिए उसमें और इसमें काफी डिफरेंस रहता है, क्योंकि वहां पे थिएटर में एक अलग ही एटमोसफेयर रहता है, बहुत सारी चीजें रिकलेक्ट नहीं हो पाती हैं जल्दी जल्दी में, तो वो एज अ रिएक्शन उसको लो। और यहाँ पे हम लोग एक एक चीज के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं पुष्पा के बारे में। अब देखिए घर आके उसके बाद जब हम चीजों का एनालाइज कर रहे थे तो सोशल मीडिया भी खोले, सोशल मीडिया पे एक अलग ही कांड चल रहा है भाई। वहां पे बहुत ज्यादा बैशिंग वगैरह हो रही है पुष्पा की, बहुत डिसअपॉइंटमेंट सबको फील हो रहा है, बहुत सारे डिसअपॉइंटिंग रिव्यूज वगैरह ये सब भी आ रहे हैं। लोग तो दो दो स्टार भी दे रहे हैं, हमको नहीं पता कि क्यों ऐसा हो रहा है, बट चीजों को हम एनालाइज किए तो हमको दो रीजन निकल के सामने आए, और दो स्टार तो कहीं से भी नहीं भाई, तीन स्टार तो हम सिर्फ और सिर्फ अल्लू अर्जुन के लिए दे दें इस मूवी को। ऑनेस्टली बता रहे हैं, इतना बाप लेवल का काम रहा है उनका, वन मैन शो कंप्लीट, स्टार्टिंग फ्रेम से लेकर एंड फ्रेम तक अल्लू अर्जुन हैज जस्ट नेल्ड द रोल ऑफ पुष्पा राज। फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ अल्लू अर्जुन, दैट इज फॉर श्योर। अब जो रीजन हमको समझ में आता है इतने ज्यादा भारी भरकम डिसअपॉइंटमेंट का, वो मेरे हिसाब से दो रीजन आता है। सबसे पहला रीजन हमको लगता है वन पुष्पा इक्वल्स टू 10 KGF, ये जो स्टेटमेंट दिया था बुच्ची बाबू ने वो बहुत बुरी तरह से बैकफायर किया यहाँ पे। और हम उसी समय बोले थे कि बहुत ही बचकाना, बहुत ही इमेच्योर टाइप का ये उनका स्टेटमेंट था, जो कि नहीं देना चाहिए था, क्योंकि हर किसी के सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं बैठ गया था कि भाई पुष्पा मतलब KGF 10 KGF तो नहीं होगी, चलो 1 KGF तो होगी, 2 KGF तो होगी, या एटलीस्ट KGF का लेवल तो टच करेगी, तो वो कहीं ना कहीं सबके सबकॉन्शियस माइंड में घूमता है। और दूसरा हमको सबसे बड़ा रीजन लगता है कि जितने भी अभी तक फ्रेंचाइजी फिल्में पैन इंडिया लेवल पर आई हैं, दो सबसे बड़ी बाहुबली और KGF, दोनों का जो एक्सपेक्टेशन था यानी कि दोनों का जो मिला के एक्सपेक्टेशन था वो सारा का सारा पुष्पा में डाल दिया गया था। और इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशंस का भार लेके उसको कैरी करके अगर आप फिल्म देखने जाओगे, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो बैकफायर करेगा और आपको डिसअपॉइंटमेंट ही होगा, जो कि बहुत ज्यादा पब्लिक को हो रहा है, जो कि देखने को भी मिल रहा है। मेरे हिसाब से हम बहुत ही क्लियर थे जब आप आज थिएटर के अंदर हम जा रहे थे, हम ये पूरा जो बैगेज है एक्सपेक्टेशन का उसको पहले ही हटा दिए थे कि एक नई फिल्म देखने जा रहे हैं। बाहुबली KGF देखने क्यों जाना है, क्योंकि हम तो पुष्पा देखने जा रहे हैं, तो एक नई पुष्पा देखने जा रहे थे, ना कि हम एक और बाहुबली या एक और KGF वो देखने हम नहीं जा रहे थे। हाँ, थोड़ा सा हमको डिसअपॉइंटमेंट हुआ था क्लाइमेक्स के पोर्शन पे, जो कि हम आपको सेकंड हाफ का रिव्यू में बताए भी थे, बट उसमें भी हमको लगता है कि थोड़ा बड़ा मेरा जो डिसअपॉइंटमेंट का रीजन था वो यही था कि हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ उस लेवल का मास, और कुछ उस लेवल का क्वेश्चनिंग हम अपील कर रहे थे या फिर एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके क्लाइमेक्स से, जो कि नहीं निकला, तो इसलिए हमको थोड़ा सा वहां पे डिसअपॉइंटमेंट हुआ था। और लेकिन अब वो सब छोड़ते हैं, ये दो रीजन है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, आप पुष्पा देखने जा रहे हो, उसके पहले ये रिव्यू देख रहे हो, तो सबसे पहले जो बैगेज है बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस का, उसको हटा के जाना एज अ फ्रेश फिल्म, एज अ न्यू फिल्म, एक नई फिल्म के तौर पे पुष्पा देखने जाओगे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा, और बहुत हंसी खुशी निकल के आओगे, और बहुत ही मजा आएगा आपको इस फिल्म को देखने में। बस ये तो पहला डिस्क्लेमर था। अब पूरी पूरी फिल्म के बारे में बात करते हैं। देखिए, इट इज अन कंप्लीट ऑल इन ऑल अल्लू अर्जुन शो। हम आपको बताए थे, पहले भी बोले थे कि अल्लू अर्जुन हैज जस्ट नेल्ड द रोल ऑफ पुष्पा राज। पहले फ्रेम से जब से उनका एंट्री होता है तब से उसके बाद लास्ट शॉट तक ही हैज जस्ट किल्ड इट। उनका करियर बेस्ट परफॉर्मेंस है। और पहला हाफ का अगर बात करें, पहला हाफ का हम आपको रिव्यू में भी बताए थे कि पहला हाफ बहुत फनी है, बहुत सारे ह्यूमर हैं, बहुत अच्छे अच्छे सीन्स हैं, स्पेशली उनका जो दोस्त का कैरेक्टर निभाया है, आई थिंक जगदीश नाम है उनका, बहुत जबरदस्त काम किया है। हिंदी का सबसे बड़ा टेंशन था, हिंदी में किस तरह का डबिंग है, सूट करेगा नहीं करेगा बाकी कैरेक्टर्स का, तो हिंदी डबिंग बिल्कुल एप्ट है। श्रेयस तरपड़े का आवाज बहुत अच्छा निकल गया है और सब कुछ बहुत ही अच्छा लगा है। और स्टोरी देखिए, स्टोरी को भी लोग बहुत ज्यादा KGF से इसलिए भी कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि इट इज राइज ऑफ अ मैन। एक पर्सन है जो कि पहले तिहाड़ी मजदूर रहता है, वो कहां से स्मगलिंग का, पूरा सैंडलवुड का, जो रेड सैंडलवुड का स्मगलिंग होता है उसका जो सिंडिकेट है उसका लीडर बनता है, तो वो राइज दिखाता है, वहां भी रॉकी भाई का राइज दिखाता है, इसलिए भी लोग कंपेयर इसको कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी डॉन गैंगस्टर इस तरह का किसी भी मूवी होता है उसमें उसका राइज ही दिखाया जाता है, लेकिन सबका अलग अलग जर्नी होता है, तो इसीलिए इसको कंपेरिजन तो बिल्कुल भी हटा देना। और वही दिखाया जाता है इसमें भी किस तरह से पुष्पा राज का राइज होता है, क्योंकि इसका नाम ही है पुष्पा द राइज। और उसके बाद हमको लगता है कि जिस तरह से कॉमेडी सीन्स को पंच किया गया है, जिस तरह से कॉमेडी सीन्स को पिच किया गया, वो बहुत अच्छा जेन्युइन कॉमेडी, ऐसा नहीं कि ओवर द टॉप या फिर खींचा हुआ कॉमेडी, कुछ नहीं, सिचुएशनल कॉमेडी है। डायलॉग्स बहुत जबरदस्त हैं हिंदी के भी, तेलुगु में तो और मजा आएगा आई एम श्योर, कि तेलुगु में जिस तरह का अल्लू अर्जुन सबका ओरिजिनल वॉइस है तो वहां पे एक अलग ही चार चांद लगे होंगे, लेकिन यहां पे भी कहीं से भी खराब नहीं है। तो हिंदी ऑडियंस जो भी संकोच कर रहे हैं जाने के लिए कि हिंदी में कैसा होगा, बिल्कुल निश्चिंत होकर जाओ, क्योंकि हिंदी डब बहुत अच्छा है। श्रेयस तलपड़े ने बहुत जबरदस्त काम किया, और बाकी कैरेक्टर्स के भी, स्पेशली जो उनका फ्रेंड का रोल करता है, वो उनका जो रोल है वो बहुत जबरदस्त है। कॉमिक टाइमिंग और उनके एक्सप्रेशंस बहुत जबरदस्त हैं। एलिवेशन सीन, जो फाइट सीन्स है, बहुत बेहतरीन तरीके से कोरियोग्राफ किया गया। हम पहले भी बोले थे अल्लू अर्जुन की तरह, अल्लू अर्जुन से ज्यादा स्टाइलाइज्ड, उनसे ज्यादा मतलब स्वैगी एटीट्यूड के साथ
फाइट सीन्स कोई भी नहीं कर सकता, और उन्होंने फिर से एक बार करके दिखाया। बाप लेवल का एक्शन है इसमें, जितने भी हैं बहुत जबरदस्त हैं। स्पेशली जो फॉरेस्ट वाला सीन है आपको बताए थे, बहुत जबरदस्त निकल के आता है। रश्मिका मंदाना का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन जितना भी उनका काम बहुत जबरदस्त रहा है। अब देखिए, जहां तक विलेन लोग का सवाल आता है, यानी बाकी कैरेक्टर्स का सवाल आता है, तो उसमें थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट फील होता है, क्योंकि उस तरह का रोल किसी को नहीं दिया गया है। स्पेशली जो मंगलम श्रीनू को लेकर इतना ज्यादा हाइप था, वहां पर कहीं डिसअपॉइंटमेंट होता है। सुनील पहले ही लग रहा था सबको कि वो तो कॉमेडियन है, तो किस तरह से वो इस रोल को जस्टिफाई कर पाएंगे। तो उनके रोल को, मतलब मेन विलेन ऑफ पुष्पा पार्ट वन, मेन विलेन ऑफ पुष्पा पार्ट वन जो किया गया था, वो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि वो उतना सटीक नहीं बैठ पाया हमको। कहीं कहीं लगे भी हैं, लेकिन लास्ट में तो फिर उनके साथ भी कॉमेडी हो जाता है, तो एक तरह से उसको जस्टिफाई नहीं कर पाया। लेकिन जहां पे फहद फजील का एंट्री होता है, उनका इंटेंस लुक, उनका जिस तरह का लुक डिजाइन किया गया है, जो उनकी आंखें हैं जितनी इंटेंस, बाप लेवल का काम कर गए हैं वो। और बहुत छोटे से समय में, हमको लगता है 20-25 मिनट एंड में आए थे, और बाप लेवल का काम कर गया। एक और जो बैकफायर किया इस चीज में, वो 3 घंटे का इसका जो रन टाइम है, वो कहीं ना कहीं बैकफायर किया, क्योंकि सेकंड हाफ आपको थोड़ा सा ड्रैगी लग सकता है, थोड़ा सा खींचने वाला वैसा थोड़ा सा लग सकता है, क्योंकि फर्स्ट हाफ तो बहुत जबरदस्त था, एकदम स्मूथली निकल जाता है, बहुत सारे फनी सीन्स, अल्लू अर्जुन का पूरा जिस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर उनका जिस तरह से कैरेक्टर डेवलप होता है धीरे धीरे, बाप लेवल का लगता है। लेकिन सेकंड हाफ कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अनप्लीजिंग लग सकता है। और क्लाइमेक्स के बारे में आपको बताया कि क्लाइमेक्स बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स है, जिस तरह का आप सोच के जा रहे हो उस तरह का क्लाइमेक्स नहीं होगा। लेकिन हाँ, क्लाइमेक्स कहीं से भी बुरा नहीं है, ये भी हम आपको बताए थे। लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हम भी रखे थे, क्लाइमेक्स से अलग मास लेवल का होगा, अलग ये सब होगा, तो वो नहीं कहीं मीट कर पाता। लेकिन हाँ, जो इमोशंस हैं वो बहुत ही एप्ट रखे गए हैं। जो डायलॉग्स हैं लास्ट के एंड में, जो डायलॉग्स आता है अल्लू अर्जुन और फहद फजील का, जो वहां पे मीटअप होता है, फेस ऑफ होता है, वो बहुत जबरदस्त है। क्योंकि एंड में क्या होता है, विलेंस को फोड़ा जाता है, तो यहाँ पे विलेंस का अकड़ को तोड़ा गया है, और किस तरह से दोनों का ईगो क्लैश होता है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। और एक तरह से एक्साइटमेंट क्रिएट हो जाता है पुष्पा पार्ट टू, यानी कि पुष्पा द रूल के लिए, कि फहद फजील किस तरह से, मतलब दोनों का फेस ऑफ किस तरह से होगा, दोनों एक दूसरे से कैसे टकराएंगे, और ये सब बहुत अच्छा होगा देखने में सेकंड पार्ट के लिए। लेकिन सेकंड पार्ट जब तक कुछ और नहीं आएगा, तब तक मतलब टीजर या फिर कुछ और न्यूज अपडेट नहीं मिलेगा उसके बारे में, तब तक उतना ज्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट करने में थोड़ा सा पीछे रह गया ये फिल्म। और अब जहां तक देखिए म्यूजिक का बात है, श्रीवल्ली गाना बहुत जबरदस्त है। स्पेशली जहां जहां उसमें अल्लू अर्जुन का चप्पल खुलता है, वहां तो लोग इतने सीटियां, इतना तालियां मार रहे थे, और बहुत फनी निकल के आया है वो गाना, बहुत जबरदस्त लगता है। बाकी सारे गाने उतना ज्यादा कुछ इंप्रेस नहीं कर पाए। स्पेशली बहुत ज्यादा हाई होप्स था हमको एक बार फिर से समंता वाले गाने से, यानी कि ओ अंटावा गाने से, ओ बोलेगा गाने से, जो कि हमको साफ साफ उसमें दिख रहा था कि बहुत जल्दी जल्दी में शूट हुआ है, तो जिस लेवल का निकल के आने वाला था, जिस लेवल का मेरे दिमाग में चल रहा था वो गाना, उस लेवल का नहीं निकल के आता है। थोड़ा लगता है आपको कि जल्दी जल्दी में शूट हुआ है, लेकिन हाँ, कुछ कुछ पोर्शन जो हम लोग को प्रोमोज वगैरह में देखने को मिला था, वो बहुत जबरदस्त लगता है। एंड इट इज इन कंप्लीट अल्लू अर्जुन शो, अल्लू अर्जुन हैज जस्ट किल्ड इट। हम कितना बार भूल चुके हैं हमको नहीं पता, बट उनका काम बाप लेवल का है, डेफिनेटली उनका काम बाप लेवल का है। अल्लू अर्जुन का जो क्रेज है नॉर्थ इंडिया में, आज हम विटनेस किए हैं फर्स्ट टाइम, क्योंकि फर्स्ट टाइम उनका मूवी थिएटर में जाके देखे हैं, और जो क्रेज, जो यूफोरिया, जो पागलपना हम विटनेस किए हैं आज थिएटर में, उसको देख के डेफिनेटली मजा आएगा। एंड ही इज हेयर टू रूल। अल्लू अर्जुन कहीं भी नहीं जा रहे, वो पैन इंडिया मार्केट उन्हीं का है, वो यहाँ पे रूल करने के लिए आए हैं, वो रूल करके ही जाएंगे। आगे उनके जितने आने वाली फिल्में होंगी, बम्पर ओपनिंग लेगी, ये फिल्म भी बम्पर ओपनिंग लेगी, और बहुत अच्छा लगेगा। बस हम तो यही, मेरा आपको एडवाइस रहेगा कि आप जो बैगेज एक्स्ट्रा, जो आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि एक्सपेक्टेशंस का जो भारी बैगेज है, उसको हटा के जाओगे, आप डेफिनेटली इस फिल्म को एंजॉय करने वाले हो। कहीं से भी 1 स्टार 2 स्टार जो बातें चल रही हैं, बहुत ज्यादा भेड़चाल में आने का जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा लोगों का सुन के उसको अपने आप माइंड में परसीव करने का बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि फिल्म डेफिनेटली, हम ऑनेस्टली बता रहे हैं, फिल्म बहुत अच्छी है, आप जाओगे इसको एंजॉय करके आओगे। लेकिन हाँ, उस तरह का पैकेज हटा के जाना। बस फिलहाल मेरा तो यही रिव्यू था, बाकी आपके, अगर आपने देख लिया तो जरूर बताना कि आपको कैसा लगा जेन्युइनली, और अगर नहीं देखा है तो डेफिनेटली जाओ। मेरे तरफ से हाई रिकमेंडेशन है कि डेफिनेटली एक बार आराम से इसको बहुत मजे से देखा जा सकता है इस फिल्म को। तो ये था मेरा रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन भी दबा देना, और कुछ बात करनी तो इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहां भी मैसेज कर सकते हो। चलिए मिलेंगे बहुत जल्दी एक और वीडियो में एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।